मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम देखेंगे आपके संस्कृत ग्रामर का टॉपिक है जिसका नाम है अपठित अवबोधनम। अपठित उसका मीनिंग क्या है? अनसीन। अपठितम मतलब अनसीन। अनसीन पैसेज आपने सीखना है। अनसीन में आपको क्या क्या रहता है? अगर कोई भी पैसेज अनसीन मतलब आपकी बुक के बाहर का है उसे अनसीन कहा जाता है। तो अनसीन पैसेज जब आता है आपने सबसे पहली बात क्या करनी है? उस पैसेज को अच्छे से रीड करना है पूरा। ओके, नंबर वन, अपठितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। माधवः एकः चतुरः बालः अस्ति। माधवः एकः चतुरः बालः अस्ति। तस्य एका भगिनी अपि अस्ति। माधवः प्रातः जनकम् अम्बां च नमन्ति। नमन्ति नहीं, वहाँ पे नमति आना चाहिए, सॉरी, क्योंकि माधवः नमति। ओके, ये सिंगुलर, तो वहाँ पे नमति आना चाहिए, वहाँ पे प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है। सः पठने कुशलः अस्ति। सः भगिनीम् अपि अध्ययने साहाय्यं करोति। भगिनीम् अपि अध्ययने सहायं करोति। माता प्रतिदिनं भोजनं पचति। जनकः च कार्यालयं गच्छति। जनकः सर्वेभ्यः मिष्टान्नानि आनयति। माधवः जनकस्य अम्बायाः च सहायतां करोति। सः एकः आदर्शः छात्रः अपि अस्ति। अभी हमने पैसेज पढ़ लिया, बाद में वन बाय वन एक एक लाइन का मीनिंग समझेंगे। माधवः एकः चतुरः बालः अस्ति। माधव एक चतुर लड़का था। चतुरः मतलब स्कॉलर, अच्छा, बहुत ही चतुर, बहुत ही होशियार लड़का था। तस्य एका भगिनी अपि अस्ति। तस्य उसकी एका भगिनी एक बहन, अपि अल्सो अस्ति थी है, मतलब उसको एक बहन भी है, दिस इज प्रेजेंट टेंस। ओके, उसकी एक बहन भी थी उसकी। माधवः प्रातः जनकम अम्बां च नमंती। माधव एक बहुत ही स्कॉलर लड़का है, उसकी एक बहन भी है। और प्रातः मतलब इन द मॉर्निंग, जनकम, जनकः मतलब फादर, जनकम उसके फादर को, अम्बा, अम्बा मतलब मदर, अम्बां द्वितीय विभक्ति मदर को च नमती। प्रातः इन द मॉर्निंग वो क्या करता था रोज डेली? प्रातः जनकम अम्बां च नमति। वो मॉर्निंग में उसके फादर और मदर दोनों को प्रणाम करता था। ही बोज डाउन टू फादर एंड मदर इन द मॉर्निंग। सह पठने कुशलः अस्ति। पठने मतलब पढ़ने में। ही वॉज कुशलः मतलब वेरी स्कॉलर इन द स्टडीज। वो पढ़ने में होशियार था, होशियार लड़का है, ऐसे दिस इज प्रेजेंट टेंस। सह भगिनीम अपि अध्ययने सहायम करोति। वो क्या करता था? दूसरी बात, वो अपनी बहन को भी पढ़ाई में हेल्प करता है। सह मतलब वह, कौन? सह मतलब कौन? माधव। भगिनीम अपि, भगिनी को भी मतलब बहन को भी, अध्ययने पढ़ने में, इन स्टडीज, सहायम हेल्प करोति करता है। माता प्रतिदिनं भोजनं पचति। माता मद प्रतिदिनं एवरीडे भोजनं पचति। वो क्या करती है? रोज खाना पकाती है। माँ रोज खाना पकाती है। जनकः च कार्यालयं गच्छति। एंड पापा क्या करते हैं? जनकः फादर गोज टू द ऑफिस। रोज वो क्या करते थे? ऑफिस जाते हैं। जनकः सर्वेभ्यः मिष्टान्नानि आनयति। सर्वेभ्यः फॉर ऑल, सबके लिए, ऐसे सबके लिए फादर क्या करते थे? मिष्टान्नानि मतलब स्वीट्स आनयति, लेकर आते हैं। माधवः जनकस्य अम्बायाः च सहायतां करोति। माधव उसके पापा की, जनकस्य और अम्बायाः माँ की मदद करता है। माधव किसकी मदद करता है? पापा उसके फादर की और मदर की मदद करता है, हेल्प करता है उन्हें। सहायतां मतलब हेल्प, मदद करना। सह एकः आदर्शः छात्रः अपि। वो आदर्श छात्र भी है। छात्र मतलब स्टूडेंट, इज अ आइडियल स्टूडेंट, उत्कृष्ट, सबसे अच्छा स्टूडेंट है, आदर्श, जिसका हम आदर्श रख के कुछ कर सकते हैं, अच्छा लड़का है ऐसे। सह एकः आदर्शः छात्रः अपि,
इज ऑल्सो एन आइडियल स्टूडेंट। अभी हमने ये इसका पैराग्राफ का मीनिंग देखा, बराबर। अभी इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो पहली बात इसमें तो मैंने आपको सबके लिए ऑप्शंस नहीं दिए, लेकिन एक पदे न उत्तरत, पूर्ण वाक्य न उत्तरत और भाषिक कार्य मतलब ग्रामर पार्ट सबके लिए आपको ऑप्शंस आएंगे और आपने टिक करना है। एग्ज़ाम में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। सो दिस इज एक पदे न उत्तरत, आंसर इन वन वर्ड। एक पदे न मतलब वन वर्ड, आपने राइट वर्ड को टिक करना है। माधव कीदृश बाल अस्ति, कीदृश कैसा, माधव कैसा लड़का है, कीदृश मूर्ख और चतुर, मूर्ख है या चतुर है, फुलिश और स्कॉलर, पंडित चतुर का मीनिंग पंडित, वेरी स्कॉलर, कैसा लड़का था वो, चतुर, तो यहाँ पे आपने चतुर को टिक करना है। माधव भगिनीम कस्मिन सहायम करोति, भगिनीम बहन को कस्मिन किस में मदद करता है, माधव अपनी बहन को किस में मदद करता है, खेलने और अध्ययने, खेलने में या पढ़ाई में, आंसर क्या है, पढ़ाई में, तो आंसर इज अध्ययने, अध्ययनम मतलब पढ़ाई करना, स्टडी, ओके। नंबर थ्री, जनक कुत्र गच्छति, कुत्र मतलब वेयर, गच्छति गोस, जनक फादर उसके पापा फादर कहाँ पे जाते हैं, कार्यालयम और पुस्तकालयम, कार्यालयम टू द ऑफिस द्वितीय विभक्ति, पुस्तकालयम टू द लाइब्रेरी, कहाँ जाते थे उसके पापा रोज, कहाँ जाते हैं, कार्यालयम, और आंसर इज कार्यालयम। नंबर फोर, माधव कदा जनकम अम्बाम च नमति, माधव उसके पापा और मम्मी को, फादर एंड मदर को कब प्रणाम करता है, कदा मतलब कब, वैन, सायंकाले और प्रातः, सायंकाले मतलब इन द मॉर्निंग, सायंकाले मतलब इन द इवनिंग, और प्रातः का मीनिंग है इन द मॉर्निंग, प्रातः मीन्स इन द मॉर्निंग, सायंकाले इन द इवनिंग, आंसर क्या आएगा, प्रातः इन द मॉर्निंग, ओके। नाउ पूर्ण वाक्यन उत्तरत, माधव कस्मिन कुशल अस्ति, माधव किस बात में कुशल स्कॉलर था, देखो ये पूरा हमने फुल सेंटेंस लिखना है, ओके। माधव कस्मिन कुशल अस्ति, सेकंड लाइन देखो, सह पठने कुशल अस्ति, सेकंड लाइन, सह पठने पढ़ाई में वो बहुत ही कुशल था, ओके। तो हमने क्या लिखना है, सह मतलब इट इज़ प्रोनाउन यूज फॉर माधव, ओके, माधव पठने कुशल अस्ति, वर आंसर इज माधव पठने कुशल अस्ति। जनक सर्वेभ्य कानी आनयति, जनक फादर सर्वेभ्य सबके लिए कानी आनयति, क्या लेकर आते थे फादर, पापा सबके लिए क्या लेकर आते थे, कानी मिष्टान्नानी, तो आंसर हमारा आंसर इज सेकंड लास्ट लाइन, थर्ड लास्ट लाइन, जनक सर्वेभ्य मिष्टान्नानी आनयति, यहाँ से आपने कॉपी करना है, लेकिन अभी इस एग्जाम में तो कॉपी करना ही नहीं, आपने ओनली टिक करना है आंसर को, ओके। जनक सर्वेभ्यः मिष्टान्नानि आनयति, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी हाँ, भाषिक कार्यम मतलब क्या, ग्रामर का पार्ट रहता है, डू एज डायरेक्टेड, नीचे जो दिया है वैसे करना है। नंबर वन, अम्बाम इत्यत्र का विभक्ति ही, देखो यहाँ पे आपको विभक्ति पूछी जा सकती है, लकार पूछा जा सकता है, विशेषण विशेष्यम मतलब विशेषण पदम पूछा जा सकता है, और पर्यायवाची शब्द और विलोम पद मतलब सिनोनिम एंड एंटोनिम कुछ भी पूछा जा सकता है, ओके। अम्बाम इत्यत्र का विभक्ति ही, अम्बा इस वर्ड की विभक्ति क्या है, अम्बाम, अम्बा इज स्त्रीलिंग एंडिंग इन आ लाइक लता, अम्बाम जैसे लताम, तो लता लते लता, लताम लते लता द्वितीया, ओके, लता लते लता प्रथमा, लताम लते लता द्वितीया, तो लताम अम्बा अम्बे अम्बा प्रथमा, अम्बा अम्बे अम्बा द्वितीया, तो अम्बा मीन्स अवर द्वितीया, कहाँ पे टिक करना है, द्वितीया, आपके टेबल बाय हार्ट होने ही चाहिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के, राम लता फल, तो ही आप ये कर पाएंगे, विभक्ति का आंसर आप तभी लिख पाएंगे। चतुर बाल अत्र विशेषण पदम किम, चतुर बाल मतलब क्या, बहुत ही होशियार लड़का, होशियार लड़का, इसमें विशेषण पदम क्या है, विशेषण क्या रहता है, एडजेक्टिव,
जो हमारे नाउन को डिस्क्राइब करता है, ये लड़का है, लेकिन वो लड़का कैसा है? चतुर। सो अवर आंसर इज चतुर। नाउन को डिस्क्राइब जो करता है वो एडजेक्टिव, उसे संस्कृत में बोलते हैं विशेषणम। चतुर बाल, इन दोनों में कौन सा वर्ड विशेषण पद है? चतुर। ओके, दिस इज अवर भाषिक कार्य, दिस इज योर आंसर की फर्स्ट इज चतुर। माधव कैसा लड़का था? चतुर बालक था, बराबर। सेकंड वन इज अध्ययनी, किसमें बहुत ही स्कॉलर था? पढ़ाई नहीं, नहीं। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा? माधव भगिनीम कस्मिन सहायम करोती, बहन को किसमें मदद करता था? उसका आंसर क्या है? पढ़ाई में, अध्ययने। बाद में फादर उसके कहाँ जाते थे? कार्यालयम। और वो कब माता पिता को प्रणाम करता था? इन द मॉर्निंग, तो प्रातः हो। बाद में माधव पठने कुशल अस्ति, माधव कस्मिन कुशल अस्ति, माधव पठने कुशल अस्ति। जनक सर्वेभ्य कानी आनयति, जनक सर्वेभ्य मिष्टान्नानि आनयति। फादर सबके लिए क्या लेके आते थे? मिष्टान्नानि, मतलब स्वीट्स। आफ्टर दैट मैंने अभी बताया अम्बा, अम्बा इज द्वितीया। चतुर बाल, इसमें विशेषण पदम क्या है? चतुर। यहाँ पे आंसर की में फर्स्ट वर्ड में मैंने चतुर बिग, वहाँ पे ऊ की मात्रा बिग लगाई हुई है, आपने वो ह्रस्व करना है, दीर्घ ऊ नहीं होना चाहिए, वहाँ पे ह्रस्व है। जो लास्ट में चतुर लिखा है हमने वो राइट है। ओके, जिस इस तरह आप पैसेज अच्छे से पढ़ेंगे, बाद में उसके क्वेश्चंस आपको पैसेज में ही आंसर्स मिलेंगे, अच्छे से आपने देखना है और बाद में वो आंसर्स को टिक करना है। ओके, नाउ सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पैसेज, और एक पैसेज हम देखते हैं। मैं आपको नोट्स में जो पैसेज भेजे उसकी भी आपने अच्छे से पढ़ाई करनी है, वहाँ पे भी आंसर किस दिया हुआ है मैंने। अपठितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अनसीन पैसेज आपने पढ़ना है और आंसर्स लिखने हैं। सबसे पहली बात क्या है, आपने रीडिंग करना है। अहम दिल्ल्याम वसामि, दिल्ल्याम एका जंतुशाला अस्ति, अत्र अनेके जंतवः सन्ति, पशूनां वर्गे मृगाः सिंहाः वानराः च सन्ति, वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति, सिंहाः उच्चैः गर्जन्ति, मृगाः इतः ततः धावन्ति, पक्षीवर्गे मयूराः पीकाः शुकाः च सन्ति, सॉरी सन्ति, मयूराः नृत्यन्ति, पीकाः च कूजन्ति, जलवर्गे हंसाः मकराः मत्स्याः च सन्ति, इयं जंतुशाला दर्शनीया अस्ति। ओके, नाउ मीनिंग, अहम दिल्ल्यां वसामि, मैं कहाँ रहता हूँ? मैं दिल्ली में रहता हूँ या रहती हूँ। वस धातु, वस मीन्स टू लिव। ओके, अगर ये लड़का बोलेगा तो रहता हूँ और लड़की बोलेगी तो रहती हूँ। ओके, दिल्ल्यां एका जंतुशाला अस्ति, दिल्ली में क्या है? एका जंतुशाला, जंतुशाला का मीनिंग क्या है? जू, वहाँ पे एक दिल्ली में एक जू है। अत्र अनेके जंतवः सन्ति, यहाँ पे अनेके मेनी जंतवः प्राणी है, बहुत सारे प्राणी है, प्राणी मतलब सब एनिमल्स बर्ड्स सब, वहाँ पे प्राणी का मतलब यहाँ पे कौन से प्राणी? पशु पक्षी और पानी में रहने वाले सब, मतलब पशु उसको बोलते हैं जंतवः। ओके, बहुत सारे प्राणी यहाँ पे है। पशुनाम वर्गे, वर्ग मतलब क्लास, पशु मतलब यहाँ पे एनिमल्स। अभी एनिमल्स के क्लासेस में क्या क्या है? एनिमल्स के क्लास में मृगाहा, मृगाहा मतलब डियर, सिंहाहा लायंस, वानराहा मंकीज। ओके, जो एनिमल्स रहते हैं उसमें क्या है? मृगाहा सिंहाहा वानराहा, उसमें से दिया है वानराहा वृक्षेषु कूर्दंती, वो मंकीज है वो क्या करते हैं? वृक्षेषु, दिस इज सप्तमी बहुवचनम, पेड़ों पर कूर्दंती नाचते हैं, कूदते हैं, कूर्दंती का मीनिंग कूदते हैं। ओके, मंकीज आर जंपिंग ऑन द ट्रीज, सिंह उच्च ही गर्जंती, लायंस आर रोअरिंग उच्च ही लाउडली, मृगा इतः ततः धावंती, एंड डियर्स आर रनिंग हियर एंड डियर, इतः ततः यहाँ और वहाँ,
यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, मृगा डियर ओके, जो हरिण रहते हैं वो यहाँ वहाँ दौड़ते हैं। अभी वो पशु नाम वर्गी एनिमल्स का क्लास क्या है वो बताया, पक्षी वर्गी, अभी बर्ड्स का क्लास, वर्ग मतलब क्लास, पक्षी वर्गी, अभी पक्षियों में क्या क्या है, मयूराहा मतलब पीकॉक्स, पीकाहा कक्कूज, शुकाहा पैरट्स च संति, वो सब है। मयूराहा नृत्यंती, पीकॉक्स आर डांसिंग, पीकाहा च कूजंती एंड कक्कूज आर सिंगिंग चपिंग, कूजंती यहाँ पे कूजंती का मीनिंग सिंगिंग होगा, कूजंती चपिंग भी होता है, लेकिन पीकाहा च कूजंती मतलब कक्कूज आर सिंगिंग। जलवर्गे हंसाहा, जलवर्गे अभी कौन सा वर्ग, वाटर एनिमल्स वाला वर्ग, पानी में रहने वाले। जलवर्गे हंसाहा मकराहा मत्स्याहा च संति, जलवर्ग में कौन से प्राणी है, हंसाहा, हंसाहा मतलब स्वैन्स, मकराहा क्रोकोडाइल्स एंड मत्स्याहा मतलब फिशेस, वो सब है। इयम जंतुशाला दर्शनीय अस्ति, इयम देखो, इयम जब भी पुल्लिंग वर्ड है तो अयम आता है, और इयम इज यूज फॉर स्त्रीलिंगम, जंतुशाला इज अ स्त्रीलिंगम वर्ड, इयम मतलब धिस, जंतुशाला धिस जू इज दर्शनीय मतलब वो देखने लायक है ओके, ये जू बहुत ही देखने लायक है, दर्शनीय देखना ही चाहिए हमने, ऐसे ये हुआ हमारा पैराग्राफ का मीनिंग। अब इसके क्वेश्चंस देखेंगे, एक पदेन उत्तर, दिल्ल्याम किम अस्ति, दिल्ली में क्या है, प्रयोगशाला और जंतुशाला, क्या आएगा आंसर, जंतुशाला जू, प्रयोगशाला मतलब तो लैब, लेकिन हमारा जो पैसेज है उसमें क्या लिखा है वही आंसर हमने लिखना है बराबर। क्वेश्चन नंबर टू, केशाम वर्गे मृगा सिंहा वानरा संति, कौन से वर्ग में डियर्स एंड लायंस एंड मंकीज है, पशु नाम और पक्षी नाम एनिमल्स में है या बर्ड्स में है, अभी मृगा सिंहा ये क्या है, एनिमल्स है ना, तो हमने क्या लिखना है, पशु नाम, पशुओं के, पशु मतलब एनिमल्स, पशुओं के वर्ग में सब डियर्स और लायंस वगैरह हैं ओके। वृक्षेशु के कुर्दंती, पेड़ पे कौन जंप कर रहा है, हु आर जंपिंग ऑन द ट्रीज, सिंह और वानराहा, विच इज अवर आंसर, वानराहा, तो आपने क्या टिक करना है, वानराहा। तत्र के नृत्यंती, तत्र देयर के नृत्यंती, कौन नाच रहे हैं, हु आर डांसिंग देयर, पीकाहा और मयूराहा, पीकाहा कूजंती एंड मयूराहा नृत्यंती, सो अवर आंसर इज मयूराहा। आफ्टर दैट पूर्ण वाक्य न उत्तर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन फुल सेंटेंस ओके, लेकिन आपने टिक ही करना है, इस एग्जाम में एमसीक्यू है। के इतः ततः धावंती, इतः ततः, हु इज रनिंग हियर एंड डेयर, हु आर रनिंग हियर एंड डेयर, के कह कौ के, अवर आंसर इज मृगाहा, मृगाहा इतः ततः धावंती, इतस्ततः दिस इज संधि, इतः ततः ओके। जलवर्गे के संति, वाटर एनिमल्स में कौन कौन से, कौन कौन है, हमने क्या देखा था, जलवर्गे क्या है, मकराहा मत्स्याहा और क्या था, हंसाहा, जलवर्गे हंसाहा मकराहा मत्स्याहा च संति ओके, दिस इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यथा निर्देशम उत्तर, दिस इज अवर भाषिक कार्यम, मीनाः इति पदस्य पर्यायवाची पदम किम, मीनाः मतलब क्या, फिशिश ओके, फिश इज जो वर्ड है उसका सिनोनिम क्या है, मत्स्य, मत्स्याः मीनाः मत्स्याः, मृगाः मतलब तो डियर रहते हैं ओके। नंबर टू, नीचैः इति पदस्य विलोम पदम किम, विलोम पदम अपोजिट वर्ड ऑफ द नीचैः, नीचैः मतलब स्लोली, उसका अपोजिट क्या होगा, शनै ही का मीनिंग भी स्लोली ही रहता है, और उच्चै ही मतलब लाउडली ओके, यहाँ पे नीचे ही का अपोजिट है उच्चै ही। धावंती इत्यत्र कह लकारह, लकारह कह, कौन सा लकार है, धावंती, धाव धातु, अति अतः अंति, ये एंडिंग सम कौन से लकार में देखे हमने, लट लकार में, तो धावंती कौन सा लकार हुआ, लट लकारह। नंबर फोर, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उचितम शीर्षकम लिखत, देखो फर्स्ट पैसेज में नहीं था, सेकंड पैसेज में ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, शीर्षक का मीनिंग क्या है, टाइटल, इस
पैसेज के लिए उचित प्रॉपर टाइटल आप लिखिए। वो भी आपको दो टाइटल दिए जाएंगे, उसमें से आपने सिलेक्ट करना है। राइट अ प्रॉपर टाइटल फॉर द अबव पैसेज। दर्शनीय जंतुशाला और दर्शनीय पाठशाला, क्या होगा आंसर? पैसेज पाठशाला के बारे में है क्या? नहीं। तो अवर आंसर इज दर्शनीय जंतुशाला। दिस इज अवर आंसर। सो दिस इज योर आंसर की। ओके, दिल्ली में क्या है? जू है तो जंतुशाला। पशु नाम कौन से वर्ग में? क्वेश्चंस में देखेंगे हम वापस एक बार। कौन से वर्ग में मृगाहा सिंहाहा वानराहा है? पशु नाम। वृक्ष पे कौन नाच रहे हैं? वानराहा। और वहाँ पे कौन डांस कर रहे हैं? मयूराहा। सो दिस इज अवर आंसर्स, दिस आर अवर आंसर्स। और सेकंड क्वेश्चन था कि इतः ततः धावंती मृगाहा इतः ततः धावंती। जलवर्गे के संती कौन से एनिमल, वाटर एनिमल्स हैं? हंसा मकरा मत्स्या। जलवर्गे हंसा मकरा मत्स्या च सन्ती। आफ्टर दैट मीना, इस वर्ड का पर्यायवाची शब्द सिनोनिम क्या है? मत्स्या। नीचैहि, उसका अपोजिट वर्ड क्या है? उच्चैहि। एंड कौन सा लकार है? धावंती का लकार कौन सा है? लट लकार हो। क्या है? लट लकार हो। और इसको प्रॉपर टाइटल क्या दिया हमने? दर्शनीय जंतुशाला, दिस इज अवर टाइटल। आई थिंक यू अंडरस्टैंड हमने अनसीन पैसेज के आंसर्स कैसे लिखने, आपको अच्छे से माइंड में आ गया होगा। दिस इज अवर अपठित अवबोधनम। थैंक यू।